आज के डेट में हम बात करेंगे जेपी पावर की। जेपी पावर में गिरावट का सिलसिला जारी है। ऑलमोस्ट 675-680 की लेवल से लगातार गिरावट देखने मिल रही है बड़ी तेज़ी के बाद। अब आगे यहाँ क्या करना है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपने ऊपर की लेवल पे ख़रीदारी की हुई है, अभी लॉस में है और होल्ड करने के लिए तैयार है, तो जब तक स्टॉक 6.80 रुपये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक 5.80 रुपये का लेवल नीचे की ओर ब्रेक डाउन नहीं देता तब तक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। दोनों में से किसी न किसी एक लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 6 रुपये का लेवल इससे पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसी लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था इससे पहले। ऑलमोस्ट 6 रुपये के लेवल से 6.80 रुपये तक के टारगेट देखने को मिले थे। अब ये जो लेवल है नीचे की ओर करेगा सपोर्ट का काम। इस लेवल से हो सकता है कि कल की डेट में आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिले। 6 रुपये के लेवल से बड़ी बाइंग आ सकती है। 6 रुपये के लेवल से बाउंस बैक हो गया तो आगे इमीडिएट टारगेट बनेगा 6.40 रुपये 6.50 रुपये का लेवल। इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो फिर दोबारा आपको 7 रुपये तक के टारगेट जेपी पावर दिखा सकता है।